हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे स्वागत करता हूँ। ये हमारी इंग्लिश की क्लास है जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडल्स के बारे में कि मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं। पिछली क्लास में हमने देखा कि कैन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कुड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो आज हम जिन मॉडल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे हैं मे, माइट और मस्ट। मे, माइट एंड मस्ट। आज हम इन तीन मॉडल्स का यूज़ देखेंगे कि इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस में, कौन सी कंडीशन होती है जब इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले लेके चलते हैं मे को। पहले देखा है कि मे क्या है, मे का इस्तेमाल कब किया जाता है। जैसे कि कैन का मतलब होता था सकना। पिछली क्लास में आपने कैन का इस्तेमाल देखा कि किसी को परमिशन देने के लिए कैन का इस्तेमाल किया जाता था कि तुम जा सकते हो, यू कैन गो, यू कैन गो। लेकिन परमिशन मांगने के लिए तो हमने कहा कि इनफॉर्मल रिक्वेस्ट में, जब इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होगा यानी नम्र निवेदन ना हो, बस हम कुछ पूछ रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कैन आई गो नाउ। मान लीजिए हमारे साथ का लड़का है तो भाई उसकी बहुत इज्जत हम करते नहीं अपने साथ दोस्तों की, तो हम उससे पूछे कैन आई गो नाउ, ये इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है। लेकिन अगर वहीं पे हमारा बॉस हो गया, मतलब हमसे बड़े लोग जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो फॉर्मल रिक्वेस्ट में, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। अब यहाँ पे अगर बॉस होगा तो बॉस के साथ क्या करेंगे, मे आई गो नाउ, समझिए मे आई गो नाउ, क्योंकि वो हमसे रेस्पेक्टेबल हैं इसलिए उसके सामने हम कहेंगे मे आई गो नाउ। पहला पॉइंट हो गया फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। जैसे मैंने मुझे कहना है, बच्चे क्लासरूम में होते हैं छोटे छोटे से, वो क्या पूछते हैं, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन, यही बोलते हैं ना आप लोग छोटे बच्चे। अगर क्लास में जब छोटे थे तो हम लोग भी यही बोलते थे, मे आई कम इन, मे आई गो आउट। तो ये जो परमिशन हम ले रहे हैं, ये फॉर्मल रिक्वेस्ट करने के लिए, परमिशन मांगने के लिए, परमिशन मांगने के लिए और परमिशन देने के लिए, देने के लिए, ठीक है। ऐसी कंडीशंस में भी, जैसे मे आई गो नाउ, क्या मैं जा सकता हूँ, ये मैं अनुमति मांग रहा हूँ। मे आई कम इन, क्या ये भी मैं अनुमति मांग रहा हूँ। और मैं कहूँ कि यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ, तो अब यहाँ पे अनुमति यानी परमिशन दी जा रही है, मांगी नहीं जा रही है। तो अगर हम फॉर्मल रिक्वेस्ट करें तो भी, परमिशन मांगे तो भी, और परमिशन देते हैं तो भी हम मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद मे का इस्तेमाल कब किया जाता है, मे का इस्तेमाल इच्छा जताने के लिए किया जाता है, इच्छा जताने के लिए। इच्छा जताने के लिए कैसे कहा जाता है, मे यू लीव लॉन्ग, लंबे समय तक जियो, मे यू लीव लॉन्ग। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑप्टेटिव, इच्छा सूचक, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। जैसे कि आपको पहले दिन की क्लास में सेंटेंस के टाइप्स पढ़ाए गए थे, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी मे का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा मे का इस्तेमाल कहाँ जाता है, संभावना जताने के लिए, संभावना जताने के लिए। संभावना मतलब जानते हैं आप, पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। अब संभावनाएं पूरी तरह सत्य नहीं होती, जो हमने कह दिया वो हो ही जाएगा। हमने कह सकते हैं कि बारिश हो सकती है, चांसेस हैं, तो जहां पे चांस होते हैं लेकिन 100% चांस नहीं होते, वहाँ पे कितने चांस होते हैं, 60%, यानी कि 50% से कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, 60% 70%। जैसे कि हम कहते हैं कि मान लो तुम राकेश से बात करोगे और राकेश तुम्हें पीट सकता है, वो गुस्सा हो सकता है, तो सिंपल सी बात है, ही मे एंग्री, ही मे बी एंग्री, बी होने के लिए लगाया जा रहा है, ही मे बी एंग्री। जैसे इट मे रेन नाउ टूडे, आज आज बारिश हो सकती है। तो जहाँ पे हमें संभावनाओं की बात करनी हो लेकिन हम श्योर ना हो, ज़्यादा चांसेस हैं लेकिन
100% नहीं है। जैसे हमें कहना है कि तुम परीक्षा में पास हो सकते हो तो हम कहेंगे यू मे पास इन द एग्जाम, इस तरीके से। तो जहां पे हमें संभावना भी बतानी हो वहां पे भी हम मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ हैं मे के इस्तेमाल करने के नियम, रूल्स। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट्स माइट की तरफ। इससे पहले अगर आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा जो है वो है माइट, ठीक है। माइट की बात अगर की जाए तो संभावना जताने के लिए माइट का भी इस्तेमाल किया जाता है। मे का भी इस्तेमाल संभावना के लिए किया जाता था और माइट का भी इस्तेमाल संभावना जताने, कम संभावना जताने के लिए किया जाता है, कम संभावना जताने के लिए किया जाता है। जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो लेकिन न के बराबर। जैसे कोई लड़का है पूरे साल पढ़ा नहीं उसने, ही इज वेरी वीक, ही माइट बी पास इन द एग्जाम बिकॉज बी ई एस सी यू एस ई बिकॉज ही इज वेरी वीक, ठीक है। ही माइट बी पास इन एग्जाम बिकॉज ही इज वेरी वीक। वो शायद परीक्षा में पास हो सकता है क्योंकि वो बहुत ही कमजोर है। जब लड़का कमजोर है तो वो पास कैसे होगा, उम्मीदें कम होती हैं। जैसे हमें कहना है टूडे स्काई इज वेरी क्लियर, ठीक है, बट इट माइट बी रेन। हमने कहा टुडे स्काई इज वेरी क्लियर बट इट माइट बी रेन, बी लगाया जा रहा है क्योंकि पैसिव में बात की जा रही है, इसलिए कहा जा रहा है बी का इस्तेमाल पैसिव वॉइस के लिए किया जा रहा है। तो अगर हम कह रहे हैं टुडे स्काई इज वेरी क्लियर, आज आसमान बहुत साफ है, तो क्या बारिश होने की संभावना है? नहीं, बारिश होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। जब आकाश क्लियर होगा तो बारिश होती है, ऐसा नहीं कि धूप में भी बारिश हो जाती है, लेकिन चांसेस होते हैं कम होते हैं। तो जहाँ पे चांसेस कम होंगे वहाँ पे हम माइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब अगर अपने नेक्स्ट की तरफ आया जाए, माइट का इस्तेमाल परमिशन के लिए भी किया जा सकता है बट मोस्ट में ज़्यादा सुटेबल होता है, कैन भी किया जा सकता है। अपने नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं मस्ट। तो मस्ट से पहले हम शुड को समझ लेंगे ताकि मस्ट को समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे हम शुड भी लिख देते हैं, पहले मस्ट को समझा जाए फिर शुड को देख लेते हैं। शुड का जो एक वर्ड होता है वो होता है सलाह, देने या मांगने के लिए, या सलाह मांगने के लिए, ठीक है। अब पहले शुड को लिखा गया और मस्ट को भी लिखा गया, पहले आप शुड समझिए। यहां पे हम शुड भी कर देते हैं तभी आप मस्ट को आसानी से समझ पाएंगे। सलाह देने के लिए या सलाह मांगने के लिए, हम सलाह आपको कैसे देंगे, तुम्हें अब घर जाना चाहिए, यू शुड गो नाउ योर होम, या तुम्हें अब जाना चाहिए, यू शुड गो नाउ। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। मुझे दवाइयाँ लेनी चाहिए, आई शुड टेक मेडिसिन। तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए या उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए, दे शुड पार्टिसिपेट इन द फंक्शन, उन्हें इस फंक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। भाई हम सलाह दे रहे हैं, तुम करो चाहे मत करो वो बाद की बात है। तो सलाह जिसे मशवरा कहते हैं उर्दू में, हिंदी में सलाह कहते हैं और इंग्लिश में सजेशन कहते हैं, सजेशन।
ठीक है, सजेशन कहते हैं। तो सलाह देने के लिए शुड का इस्तेमाल किया जाता है, फिलहाल में इतना समझिए। उसके बाद हम आते हैं अपने मस्ट के ऊपर। शुड का एक और इस्तेमाल है जब पहला वाला पार्ट सेंटेंस का पास्ट में हो और दूसरा वाला पार्ट फ्यूचर में हो। तो अभी उसको समझा जाएगा विल और वुड के साथ, बट फिलहाल मस्ट को समझा जाए। मस्ट की बात की जाए अगर, तो मस्ट का प्रयोग कब किया जाता है? संभावना जताने के लिए, संभावना जताने के लिए। लेकिन कब? जब हमें अधिक संभावनाएं जतानी हो। मस्ट का मतलब हो गया अधिक संभावना जताने के लिए। जैसे कोई लड़का खूब पढ़ने में तेज है, खूब रेगुलर क्लास करता है, बैठ के दो दो घंटे पढ़ता है, तो क्या उसके पास होने के चांसेस कम होंगे कि ज़्यादा होंगे? बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो अच्छे से पढ़ रहा है ना। तो जब हमें अधिक संभावना जताना होगा, जैसे किसी दिन बादल छा गए आसमान में, तो क्या बारिश होगी कि नहीं होगी? बादल है तो जाहिर सी बात है कि बारिश मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है होने की। तो अधिक संभावना जताने के लिए हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्काई इज क्लाउडी, स्काई इज क्लाउडी, ठीक है, स्काई इज क्लाउडी, इट मस्ट बी रेन। जब बादल हैं आकाश में तो बारिश हो सकती है। टुडे इज संडे, आज क्या है? संडे है। आज संडे है नहीं, बट यहाँ सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं। टुडे इज संडे, स्कूल मस्ट बी क्लोज्ड। ठीक है, तो आज संडे है, स्कूल मस्ट बी क्लोज। संडे के दिन कौन सा स्कूल भाई खुला रहता है? खुले हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि खुले नहीं हो सकते, बट 90% चांसेस बंद होने के। तो जहां पे हमें अधिक संभावना जतानी होती है वहां पे हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मस्ट के दूसरे यूज की तरफ चला जाए, तो जहां पे सलाह अधिक जरूरी हो जाती है, ऐसी सलाह जिसको ना मानने पर नुकसान हो, ऐसी सलाह देने के लिए जिसे ना मानने पर नुकसान हो, नुकसान हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसी सलाह देने के लिए जिसे ना मानने पर नुकसान हो सकता है। जैसे हमने कहा कि यू शुड गो नाउ, तुम्हें अब जाना चाहिए, तो इसमें कोई नुकसान नहीं, तुम अभी जाओगे चाहे बाद में जाओगे, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हमने कहा कि तुम्हें अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, तो जाहिर सी बात है तबीयत खराब है, किसी को हॉस्पिटल नहीं ले जाओगे तो क्या होगा? वो मर जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में कभी भी जब ऐसी सलाह देनी हो जिसका सेंस बहुत कंपल्सरी दे रहा है, जैसे हम एक और वर्ड लिख देते हैं सेंटेंस में, जरूरी या अवश्य वर्ड, अवश्य शब्द आने पर, जरूर है यहाँ पे, जरूर या अवश्य शब्द आने पर। जैसे हमने कहा तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं तुम्हें जरूर जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, तो भाई ये सिंपल सा सजेशन है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर। बट अगर हम यहाँ पे कह दें कि सेंटेंस में जरूर वर्ड जहाँ पे आ जाए वहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाएगा? मस्ट का, यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए। तो अगर सेंटेंस में ऐसे वर्ड आ जाएं, तुम्हें अपनी माँ को अस्पताल जरूर ले जाना चाहिए, तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए, उसे अवश्य ही आज आना चाहिए, तो ऐसे वर्ड, ऐसे जहाँ पे सेंटेंस में हमें जरूर वर्ड मिलता है, अवश्य वर्ड मिलता है, या ऐसी सलाह मिलती है, जैसे कि शाम के 7, रात के 9 बज चुके हैं, 1 बज चुके हैं, कह देते हैं बज चुके हैं, तुम्हें अब सोना चाहिए। भाई 1 बजे रात को कौन सोता है?
एक बजे सो जाना चाहिए, जगना नहीं चाहिए। तो ये एक अच्छी सलाह है, जो कि अगर नहीं सोओगे तो दिन में तुम्हें डिस्टर्बेंस होगी, तो यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे इट्स 1 o'clock ऑफ नाइट, यू मस्ट स्लीप नाउ, स्लीप नाउ। ठीक है, तो भाई अब तुम्हें सोना चाहिए। यहाँ पे हमने मस्ट का इस्तेमाल कर लिया। रात के 9 बजे पिताजी घर पे होना चाहिए, फादर मस्ट बी एट होम। ठीक है, तो जहाँ पे हमें अधिक संभावना जतानी हो या सलाह देनी हो जिससे कि कोई नुकसान हो, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए अच्छी बात है। अगर कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब एक बार तीनों को कंपेयर कर दिया जाए ताकि आपका डाउट्स क्लियर हो जाए कि संभावना ही जताने के लिए हम मे का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मस्ट का भी कर रहे हैं और माइट का भी कर रहे हैं। मे, माइट और मस्ट, तीनों का काम संभावना जताने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, आपने देखा। तो अब एक एग्जांपल समझते हैं जहां पे 50% प्लस संभावना होती है, यानी 50% से ज्यादा संभावना, किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो उसकी संभावना है मरने की। जहां पे हमने कह दिया कि 80% प्लस संभावनाएं हो गई और जहां पे 50% माइनस संभावना, पॉसिबिलिटी यहां पे लिख दें। पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो जहां पे 50% से कम संभावना है, जैसे हमने कहा कि आज आसमान क्लियर है लेकिन बारिश हो सकती है, तो भाई वहां पे चांसेस कम हो गए, 50% से चांसेस कम हो गए, तो यहाँ पे हमें करना था 40% माइनस, क्योंकि माई टू पर हमने लिख रखा है, तो यहाँ पे हम 40% माइनस कर दें और यहाँ पे 80% प्लस करना है। ठीक है, चलिए समझते हैं। हमने कहा मे का इस्तेमाल 50%, वह पढ़ता है वो पास हो सकता है, जो पढ़ेगा वो पास हो सकता है, ये सिंपल सी बात हो गई। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ही मे पास, इस तरीके से। माइट की बात की गई, वो पढ़ता नहीं है, वो पास हो सकता है शायद के सेंस में। ही डज नॉट रीड बट ही माइट बी पास, और हम कहें कि वो बहुत पढ़ता है, वो पास हो सकता है, तो ही मस्ट बी पास्ट। यानी कि बहुत के सेंस में, कम के सेंस में, यानी हमें शायद की बात करनी हो तो माइट का इस्तेमाल करेंगे। जब चांसेस हमारे 50-50 होते हैं, 50% काम हो भी सकता है, 50% नहीं भी हो सकता है, तो हम मे का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे चांसेस काम के ना होने के ज़्यादा हों वहाँ पे हम माइट का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पे काम के हो जाने के चांसेस ज़्यादा हों वहाँ पे हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो आज आपने देखा मे, माइट और मस्ट मॉडल वर्ब्स के बारे में। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपके डाउट्स को क्लियर किए जाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।